किसान भाइयों नमस्कार। इस समय बारिश हो रही है और साथ में हवाएं चलने की भी संभावना अगस्त लास्ट में और सितंबर के महीने में रहती है, जिससे गन्ना गिरने की संभावना रहती है। यहाँ पर बहुत किसानों ने अपने गन्ने की बधाई की है, जिसको आप देख करके और सीख सकते हैं। एक बधाई ये हमारे बदन सिंह ने किया है, जो बीच में दो लाइन के बीच में बल्ली लगा करके और उसके ऊपर गन्नों को सहारा दे करके और फिर तीन बार उसको बंधाई की है। आप देख रहे हैं बिल्कुल ऊपर तक इस गन्ने की बंधाई है, और इससे ये फ़ायदा है कि गन्ना उस बल्ली के सहारे और एक दूसरे के सहारे रुका हुआ है। ये छोटा एक प्लाट हमने दिखाया है यहाँ पर, इसको नीचे से बांधा गया है। इस प्लाट को आप देख सकते हैं कि इसको तीन बार बांध करके फिर आपस में दो लाइनों को मिला करके और फिर गन्ने की बंधाई यहाँ पर की गई है। और इसको गन्ने को आपस में दो लाइनें मिला करके ऊपर बांधा गया, थोड़ा सा गलत बांधा गया, इसको थोड़ा और नीचे बांधा जाना चाहिए था। इसको देख करके आपको हेल्प मिल सकती है, और ये फ़ायदा हो सकता है कि जब हम गन्ने को ऊपर मिला देते हैं तो गन्ना हमारा बढ़ता नहीं है। यहाँ पर आप देख रहे होंगे लाइनों को मिलाया गया है, ऊपर सीधे मिलाया गया है, ताकि गन्ना किसी भी तरीके से उसकी जो ऊपर की पत्तियाँ हैं वो फोटोसिंथेसिस लगातार करती रहें और गन्ना हमारा बढ़ता रहे। ऐसा ना हो कि ऊपर की पत्तियाँ हमारी पीली पड़ जाएँ, गन्ना से पतला हो जाए। यहाँ पर आप देखेंगे गन्ने को बिल्कुल सीधा पहले बांधा गया है, बाद में इन लाइनों को मिलाया भी गया है और एक बल्ली के सहारे इसको रोका गया है, लेकिन उसमें गिरने की संभावना रहती है, इसलिए झुकाया जरूर जाना चाहिए ताकि गन्ने की हाइट कम हो जाए। इस गन्ने को भी देखिए सीधा बांधा गया, दो लाइनों के हालांकि मिलाया गया लेकिन दोनों को सीधा मिलाया गया। अगर इसको थोड़ा सा झुका करके बांधा गया होता तो इसकी गिरने की संभावना कम हो सकती थी, लेकिन जब सीधा बांधा गया तो जब तक बहुत तेज़ हवाएं नहीं चलती हैं, दो तीन दिन तक लगातार बारिश नहीं होती है, तब तक तो ये गन्ना खड़ा रह सकता है, लेकिन अगर ज़्यादा बारिश हुई तो ऐसी दशा में इसकी गिरने की संभावना काफ़ी हद तक बनी रहती है। और किसान भाई बांधते समय तीन तरीके से गन्ने की बंधाई कर सकते हैं। एक तो चौपाया बना करके गन्ने की बंधाई कर सकते हैं, दो लाइनों को मिला करके बांध सकते हैं, और तीसरा तार और बल्ली लगा करके बांध सकते हैं। तार लगा करके जब भी गन्ने को बांधना चाहते हैं तो ये देख लें तार की बहुत लंबाई ना हो, और साथ ही में कम से कम दो तार के प्रयोग किए जाएं, और तारों को क्रिस क्रॉस यानी बल्लियां बीच में लगाई जाएं, तो वही तार पहले इस तरफ जाना चाहिए फिर दूसरी तरफ जाना चाहिए, और दो तारों को साइमल्टेनियसली आप बांध करके और गन्ने को रोक सकते हैं, और बल्ली में भी सहारा आपको देना पड़ा। लेकिन ये उस केस के लिए है जब गन्ने की हाइट आपकी बहुत ज़्यादा हो और आप चाहते हैं कि और ज़्यादा बढ़ जाए, बाद में आप बल्ली लगा करके रोक सकते हैं। और तीसरा तरीका ये है कि गन्ने की हाइट कम करके पहले गन्ने की आप ट्रेनिंग कर लें, यानी झुका लें, झुका करके फिर गन्ने दो लाइनों को मिला दें, फिर वो गन्ना सीधा जब चलने लगे तब उसकी बंधाई कर दें, तब भी गन्ना हमारा गिरता नहीं है। लेकिन अगर गन्ने को आपने ट्रेंड नहीं किया, शुरू से ही नहीं झुकाया और ये सोचा कि हम बाद में इसको मिला देंगे, पूरी लंबाई होने के बाद मिलाएंगे, उस दशा में क्या होता है, जब बारिश होती है बारिश से गन्ने की पत्तियां भीग जाती हैं, उसका वजन बढ़ जाता है, तो वो गन्ना वहीं पर बैठ जाता है, गिर जाता है, उसी जगह गिर जाता है। तो इसका बहुत ध्यान रखना है कि गन्ने को पहले झुकाया जाए, गन्ना एक जगह से टेढ़ा होकर के दो लाइनें आपस में मिलें और फिर उनको सीधा करके बांधा जाए, तो ऐसी दशा में जड़ें भी नीचे विकसित हो जाती हैं। ये किसान हमारे कुशीनगर के प्रदीप कुशवाहा जी हैं, इन्होंने रिंग फिट मेथड में गन्ने की बधाई की है, और रिंग फिट मेथड में चूँकि दो फिट के गन्ने को मिला नहीं सकते, उसी जगह बांधना रहता है, इसका तरीका ये है कि पहले तो चार चार गन्ने, इसमें करीब 40 गन्ने तक हो जाते हैं, 50 गन्ने तक भी एक फिट में होते हैं, तो इनको चार चार गन्ने अलग अलग बांध करके नीचे और उसके बाद इनको ऊपर मिलाना चाहिए, और काफ़ी ऊपर आप कम से कम तीन बार बांधना चाहिए, एक बार चार चार गन्ने मिला करके और ऊपर फिर इनको आपस में मिला करके, और फिर तीसरी बार भी इसकी बंधाई कर देनी चाहिए। और इस विधि से अगर हम गन्ने की बंधाई करते हैं तो निश्चित तौर से जो हमारा रिंग फिट का मेथड है उससे गन्ना गिरता नहीं, और अगर गन्ना बहुत ज़्यादा आपको लगता है क्योंकि लगभग एक कुंटल के आसपास गन्ना हो जाता है एक फिट में, तो वहाँ पर आप एक बल्ली भी लगा सकते हैं और बल्ली लगा करके गन्ने को रोक सकते हैं ताकि गन्ना आपका गिरने ना पाए, क्योंकि रिंग फिट मेथड के गन्ने का वजन भी ज़्यादा होता है, गन्ना अगर गिरने ना पाए तो इसकी पेड़ी तीन चार बार ली जा सकती है,
और साथ ही में जो निराई गुड़ाई है वो चारों तरफ से की जा सकती है, और जो पिट से पिट की दूरी है वो करीब 4.5 फीट 5 फीट रहती है 5 फीट तक। तो इसमें जो साफ फसलें हैं वो भी पेड़ी और पौधे दोनों में ले जा सकते हैं, पेड़ी गन्ना 2 बार लिया जा सकता है। तो ऐसी दशा में ये ज़रूरी है कि इसको बल्ली लगा कर भी अगर रोका जाए तो कम से कम 3 सालों तक 4 सालों तक आप रेटून बहुत आसानी से ले पाएंगे और एक गन्ने की अच्छी उपज आपको इस विधि से प्राप्त होती है। हालांकि इसकी जो प्लांटेशन की कास्ट है, इनिशियल कास्ट, वो ज़्यादा रहती है और किसान भाई इसको अपनाने में थोड़ा सा पीछे हटते हैं। अगर पीट में सिंगल बट का यूज किया जाए और बधाई अच्छी तरीके से कर लिया जाए तो करीब 1 क्विंटल गन्ने तक एक पीट में हो सकता है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।